हाय एवरीवन, दिस इज एमजी हेक्टर। आज मैं आपके सामने शेयर करूंगा इसका ड्राइविंग रिव्यू। चाबी से शुरू करेंगे। तो इसका रिमोट देखो ऐसा है कि इसमें तीन बटन आते हैं, कवर है, ओनर ने लगाया हुआ है, तो लॉक, अनलॉक और बूट ओपन करने के लिए। बूट ओपन करने का अंदर भी ऑप्शन आता है। दिस इज 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन, 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के अंदर आता है। इस गाड़ी का इंजन प्रोड्यूस करता है 141 और 42 bhp की पावर और टॉर्क है 250 न्यूटन मीटर। इस गाड़ी में एक चीज अच्छी ये है कि ये हाइब्रिड वाला ऑप्शन है, मतलब जो हाइब्रिड जो वेरिएंट आता है गाड़ी का, यहाँ पे हेक्टर लिखा हुआ है और यहाँ पे हाइब्रिड लिखा हुआ है। तो ये गाड़ी की छोटी सी पहचान है कि इसमें हाइब्रिड का भी, और बैटरी पैक जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ अभी के अभी। ये एक्चुअली इलेक्ट्रिक है, अंदर से भी खुल जाता है और बंद करने का बटन यहाँ पर है। बूट जो है दैट इज 587 लीटर्स। यहाँ पे एक ट्रे आती है, इसको आप यहाँ से ऐसे निकाल के और यहाँ टक कर सकते हो, ये देखो, ठीक है। और यहाँ पे अपना बिल्कुल लाइट सामान, कुछ छोटा पेपर, हल्की पॉली बैग, वो सब रख सकते हो, बाकी ज़्यादा कुछ इसके अंदर मत रखना। यहाँ पे इसका बैटरी पैक है, छोटा मोटा सामान रखोगे, ठीक है। और टूल किट यहाँ पे है। रही बात स्पेयर टायर की, तो वो नीचे लगा हुआ है। अब चलो इसको करते हैं बंद। यहाँ पे ग्रैब हैंडल भी बाय द वे, तो इसे हाथ से मत करना, इलेक्ट्रिक टेलगेट है। चार पार्किंग सेंसर पीछे हैं, तो दो इसके फ्रंट में भी हैं। तो ये एक अच्छा फीचर है गाड़ी का। देखो, एक यहाँ पे है और दूसरा यहाँ पे है। गाड़ी की जो हेडलैम्प है एलईडी में है, ये एलईडी हो गया, नीचे भी एलईडी है, ये डीआरएल है, और मेरे ख्याल से यही जो है इंडिकेटर का भी गाड़ी में काम करेंगे। 360 डिग्री कैमरा है गाड़ी में, एक यूनिट यहाँ पे एंड बाकी मिरर्स में, और पैनोरामिक सनरूफ मूनरूफ जैसे बोल लो। अगर क्लियर नहीं दिखाई दिया तो अंदर बैठ के दिखा दूंगा। फुटस्टेप गाड़ी में लगी हुई है। टायर सेक्शन गाड़ी के बारे में बात करते हैं। गुडियर के अभी इसमें टायर हैं। टायर सेक्शन इज 21560R17। गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है दैट इज 192 mm। फ्यूल लीड इधर ही है, इधर से फ्यूल भरवाई, जो कि 60 लीटर की कैपेसिटी गाड़ी के अंदर आती है। ये मेरे ख्याल से एक्सेसरी का पार्ट है, क्योंकि ना ये थोड़े से खराब होने शुरू हो गए हैं। इधर भी देखोगे खराब होने शुरू हो गए हैं, तो ऐसी है गाड़ी। अंदर बैठ के मैं आपको दिखाता हूँ। रिक्वेस्ट सेंसर अब डोर में, ये सॉफ्ट टच है, काफ़ी अच्छी फील देता है। इनफैक्ट बहुत ही सही है सॉफ्ट, वरना सॉफ्ट टच जितने भी गाड़ी में आते हैं इतने नहीं दबते हैं, ये काफ़ी कुछ नहीं देते हैं। ये पियानो में है, ये हैंडल जो है आपके सिल्वर फिनिश, ऑल फॉर पावर विंडोज, नॉर्मल लॉक अनलॉक के लिए, और इन्फिनिटी का म्यूजिक सिस्टम है गाड़ी में, ट्विटर है, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स है। ये अपने एसी वेंट्स हो गए। यहाँ पे मैं बताता हूँ, ये मिरर्स फोल्ड करने के लिए, ये मिरर को एडजस्ट करने के लिए, राइट लेफ्ट जो भी करना सेलेक्ट करिए, हेडलाइट बीम लेवलर, या आपके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की जो ब्राइटनेस उसको कम ज़्यादा करने के लिए, और यहाँ से आप बूट जो है ओपन करेंगे इलेक्ट्रिकली, लाइट के कंट्रोल, और यहाँ पे वाइपर के। स्टेयरिंग व्हील को देखो ऐसा है, फ्लैट बॉटम है, और क्रूज कंट्रोल इधर है थोड़ा, मेरे ख्याल से आप मीटर के अंदर भी यहीं से नेविगेट कर सकते हो, बाकी देखेंगे। और यहाँ पे वॉल्यूम रॉकर्स, कॉल कनेक्ट डिसकनेक्ट वाले, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टेयरिंग व्हील, ठीक है। थोड़ी देर में ड्राइविंग रिव्यू भी मिलेगा, तो वेट करना, जाना नहीं। मीटर को आप थोड़ा ऑन करते हैं। साइड में एनालॉग है, वैसे तो डिजिटल ही दिखाई देता है। और ये सॉफ्ट टच है, ये उतना नहीं है जो वहाँ पे था, और ये सॉफ्ट अगेन यहाँ पे है। एसी वेंट्स हो गए, और यहाँ पे इसको कंट्रोल करने के लिए वॉल्यूम के, ठीक है, डेडिकेटेड बटन है टच स्क्रीन होने के बावजूद, तो ये आप इसे प्रेस करके एडजस्ट कर सकते हो, और ये एसी से रिलेटेड है। यहाँ पे आप टाइप ए दो पोर्ट है, और एक 3.5 mm का जैक, यहाँ पे ज्यादा स्पेस नहीं है, वैसे रख सकते हो फोन, लेकिन वो गियर को टच कर सकता है। 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन यहाँ पे है, और ये जो बटन है आपका आइडल स्टार्ट स्टॉप का बटन है, 360 डिग्री कैमरा का, इसके अंदर भी एक एलईडी है, यहाँ पे ये जो है ग्लो करती है, और हैंड ब्रेक काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल है, इनफैक्ट देख रहे हो काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल है, हालांकि इसे एडजस्ट किया जा सकता है, आप इसे आराम से ओपन ऐसे कर सकते हो, कोई लॉक नहीं है कि उसको दबा के खोलना है, वैसा नहीं है, स्पेस इज़ गुड। यहाँ पे ग्लव बॉक्स, अब सामान ज़्यादा है तो मैं कूल्ड वाला फीचर तो नहीं देख पा रहा हूँ, तो उसको बंद कर दें। और ऑटोमेटिक IRVM यहाँ पे, जो सनवाइजर है इसमें मिरर है, और उसके साथ एक LED लाइट है। ये जो बटन है, आज जैसे मैंने बताया था कि पैनोरामिक सनरूफ है, तो ये लाइट्स के जैसे यहाँ पे इसको आगे पीछे करने के लिए, जब मैं इसे करूँगा, देख रहे हो, और ये इंडिविजुअल लाइट इसके लिए, ये इसके लिए, दोनों अगर एक साथ करने हैं तो यहाँ पे एक बटन था, यस ये वाला, ठीक है, और ये अब बंद हो रही है। सनग्लास होल्डर, प्लास्टिक की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है गाड़ी की। इधर भी मिरर है, और मेरे ख्याल से लाइट, यस यहाँ पे लाइट भी है। तो सीट्स का ऐसा है, अगर ये फैक्ट्री की मतलब कंपनी के साइड से है तो बहुत ही अच्छी है, साइड सपोर्ट बहुत अच्छी है, थाई सपोर्ट इज़ रियली गुड। तो बाकी मेरा ओवरऑल रिव्यू जो है अभी तक का बहुत सही है, जितना थोड़ा ही चलाया मैंने, अभी चलाई नहीं है। कंफर्ट तो है, देखो सिटिंग पोजीशन बहुत ही अच्छी है गाड़ी की, मान लो मैं हाथ रख रहा हूँ, एल्बो जो है अच्छा, आर्मरेस्ट जो अच्छी खासी हाइट पे है, और बाकी पीछे का मैं दिखाता हूँ। ये सॉफ्ट टच चारों दरवाजों में है, और ये MG के पिलो यहाँ से लिए हुए हैं, एंड स्पेस काफ़ी सही है। देखो वो सीट मेरे हिसाब से एडजस्टेड थी, हालांकि जो मैं कहूँ कि थाई सपोर्ट, ये वाला हिस्सा इससे आगे ठीक है, मतलब
यहाँ से टच होना बंद हो चुका है, तो सही कह सकते हैं। बाकी हेडरूम काफ़ी सही है, तो वो दिक्कतें नहीं आएंगी कि कोई तेज़ भगा गड्ढों में कुदा रहा है तो वो जंप नहीं करेंगे आप ऊपर और टच नहीं करेंगे। तो जो हेडरूम है वो बहुत ही अच्छा है। एंड ऑल थ्री एडजस्टेबल हेड रेस्टेंट्स, और ये आपको आर्मरेस्ट मिलता है यहाँ पे, और इसमें दो कप होल्डर है सीट्स। ये वाला जो स्पेस है ये बहुत ही अच्छा है, मुझे तो सही कंफर्ट पूरा लगा ये, मतलब मेरे हाँ कंफर्ट तो है गाड़ी में, काफ़ी सही है। सेंट्रल एसी वेंट्स हो गए, मतलब बीच में फ्लो कम ज़्यादा नहीं कर सकते, खाली जो इसके डायरेक्शन है वो चेंज कर सकते हो इस छोटे से व्हील से। और यहाँ पे एक 5 वोल्ट 2 एम्पियर का जो है टाइप ए पोर्ट है इसके पीछे, इसको निकालना थोड़ी सी दिक्कत है लेकिन निकल तो जाएगा ही। हाँ यस निकल गया, ठीक है, टाइप ए पोर्ट है। और इसके नीचे आप फ़ोन चार्ज लगा के इधर रख भी सकते हो। ये वाला एरिया काफ़ी सही है, लेग रूम ओवरऑल गाड़ी में बहुत अच्छा है। यहाँ पे ये पॉकेट है, सीट अपहोल्स्टरी इज रियली गुड। चलो अब गाड़ी को ड्राइव करके बताता हूँ। चलो अब सनरूफ देख लो, एक बार अगर इसको प्रेस करके छोड़ दिया तो पीछे चला जाएगा, और ये यहाँ से ऊपर हो गया कर्टेन यहीं पर रुक जाएगा, और पीछे लेके जाना है तो अब ग्लास जाएगा, और यह प्रेस करके रखना पड़ रहा है, ठीक है। और इसको और पीछे लेके जाना है तो फिर इस बटन से लेके जाना, कर्टेन एकदम पीछे तक चला गया लेकिन ग्लास अब इससे पीछे नहीं जाएगा। तो चलो अब इसको बंद करते हैं। और गाड़ी में एयरबैग्स की भी काफ़ी ज़्यादा नंबर है, मैं मेंशन कर दूंगा, एग्जैक्ट अभी याद नहीं है। एयरबैग वहाँ भी लिखा हुआ है, एलईडी के लाइट्स हैं यहाँ पे, छत में भी, इधर भी है, ठीक है। चलो अब ड्राइव करते हैं। बोनट दिखाना भूल गया, और बहुत हैवी है, इतना नीटली फिटेड मैंने अभी तक इंजन बे गाड़ी की नहीं देखी है। पूरा प्लास्टिक यहाँ से कवर्ड, ये वाला कवर्ड, ये विंडशील्ड वॉशर, टर्बो इंजन है, और यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन है। इसी वजह से इसका 141 bhp और 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क है ये यहाँ पे इसको रोकने के लिए। और हुड काफ़ी जो है इसका हैवी है, बहुत अच्छा जो है इसको लगाया गया है। ये जो है ओनर ने मेरे ख्याल से जो फिल्म लगा रखी है ब्लैक, ये अपने जो भगवान है यहाँ पे, ये देवी है यहाँ पे, इन पे छांव करने के लिए, मेरे अकॉर्डिंग तो यही रीज़न है। जो आर्मरेस्ट है ये सेंटर वाला, ये स्लाइडेबल नहीं है, एक बार पहले गियर में पिक करके देखता हूँ थोड़ा सा क्या कुछ फील हो रहा है। आप इतनी महंगी गाड़ी से ये वाइब्रेशंस तो मत एक्सपेक्ट करना, कर भी नहीं सकते, करती भी नहीं है। ये स्टीयरिंग व्हील पता है थोड़ा सा मैंने ऑब्जर्व किया, मोस्टली गाड़ियों थोड़े ऐसे आगे की तरफ रहते, इसका मतलब ऐसा स्लैंट है थोड़ा सा, तो अच्छा लगता है होल्ड करने में, समझ रहे हो। ये वाली चीज़ जो है ऐसे आगे की तरफ है, इंजन की नॉइज आती है। देखो अब टर्बो इंजन है, खींच के चलाओगे तो थोड़ी बहुत आती है, रोड नॉइज भी है नो डाउट है थोड़ी, और विंड नॉइज भी हल्की सी है, साइलेंट तो नहीं कह सकता। ज्यादा मतलब ऐसा परेशान करने वाली नॉइज नहीं है, गुड। यहां से अगले से मैं लूंगा यूटर्न और वहां पे स्टीयरिंग का भी देखेंगे। कंफर्ट काफी सही है सीट का, जो चीज मैंने अभी तक नोटिस करी है ना, बैठते मेरा एक हाथ ऑटोमेटिकली आर्मरेस्ट पे चला, क्योंकि जैसे ही आपकी बैक रेस्ट पे आती है ना, कंफर्ट मोड में आती है, बॉडी ऑटोमेटिकली रेस्ट पे चली जाती है। तो जैसे मुझे ऐसा लगा कि शोल्डर प्लेट्स हाँ रेस्ट कर रही हैं अच्छे से, तो हाथ ऑटोमेटिकली आ गया, तो कंफर्ट तो है। और विजिबिलिटी बहुत ही अच्छी है, बस इसकी वजह से जो जिसकी मुझे आदत नहीं है, ये फिल्म लगी है जो कि सनलाइट से बचने के लिए है। वैसे ये विड्थ की अगर मैं बात करूँ विजिबिलिटी की, दैट्स टू गुड। बाकी मैं अभी देख रहा था कि मिरर कैसे हैं, अच्छे हैं। ये वाला पार्ट थोड़ा सा ज़्यादा ऐसा बाहर की तरफ लगा, लेकिन मैं वही देख रहा था कि दिक्कत तो नहीं दे रहा है, तो वो दिक्कत नहीं दे रहा है। यहाँ पे देखता हूँ स्टीयरिंग रोटेशन, उतनी अच्छी नहीं है, मतलब ऑटो रोटेशन अच्छी नहीं है।
किर्गिस स्लॉटिंग इज गुड, नॉट दैट सॉफ्ट, उतना सॉफ्ट साइड में नहीं है मतलब। कॉन्फिडेंस देती है। हॉर्न मेरे ख्याल से उसके लेफ्ट साइड में लगे हैं, तो आराम अंदर बैठते हो तो आराम से फील होते हैं कि लेफ्ट साइड में बज रहे हैं। छह गियर है तो छठा में लगा दिया। सस्पेंशन देखो ठीक है, अंदर ट्रांसमिट हो, आवाज ट्रांसमिट हो रही है, लेकिन ये नहीं कह सकता कि डिसबैलेंस है या गड्ढे लग रहे हैं, वो नहीं है, लेकिन हाँ आवाज जरूर ट्रांसमिट हो रही है। मतलब थोड़ा सा NVH लेवल आर नॉट दैट अप टू द मार्क, ठीक है, शिकायत करने वाले नहीं है, एक्सेलरेशन बहुत ही अच्छा है। और इसके जो टैकोमीटर है गाड़ी का थोड़ा उल्टा है, मतलब इसका 0-1-2 ऐसा नीचे की तरफ है, आमतौर पे गाड़ियों का क्या होता है ऐसा 0-1-2-3-4-5, इसका उल्टा, इसका ऊपर चढ़ती है ये वाली जो है। तो काफी गाड़ियों सुई ऐसे दोनों ऊपर चढ़ती है ना RPM की और स्पीड की, इसकी ऐसे चढ़ती है दोनों ऊपर, थोड़ा सा उल्टा है, डिफरेंट चीज है, वैसे कमी नहीं बता रहा हूं। नॉइज तो हालांकि गाड़ी के पैनल से तो अभी तक कोई भी रेटलिंग नॉइज ऐसी नहीं है। मेरे ख्याल से लेफ्ट साइड में इसीलिए दे दिए क्योंकि जिसको ओवरटेक करोगे राइट से ही करोगे, लेफ्ट वाले को अच्छा खासा हॉर्न सुनाई दे। यहाँ पे 360 डिग्री कैमरा का मैंने बताया था, गाड़ी अगर खड़ी है तो ये साइड वाला व्यू ऐसा है, ठीक है, और ये अपना लेफ्ट मिरर का थोड़ा दिखाऊं करके, ये देखो व्हील भी अच्छा खासा दिख रहा है यहाँ पे, उतना ग्रेट नहीं कह सकता मतलब, बट होना अगर है तो अच्छी बात है, अडेप्टिव है, चलो गुड। स्टीयरिंग में कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पे ये जो है ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करने के लिए यहाँ पे आ गया मीटर में, ये हैजार्ड का बटन है। चलो अब देखते हैं ब्रेक, MG Hector ब्रेकिंग एट 100। अच्छी है, मुझे ये सबसे अच्छा लगा कि एकदम स्ट्रेट लाइन है, नाइस ब्रेकिंग। एक बार इसका मैं एक्सेलरेशन देखता हूँ कि हर एक गियर में कितना चढ़ रही है, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि सेकंड गियर में ना थोड़ा सा प्रॉब्लम था, ज़्यादा नहीं चढ़ रही थी। 50, 80 ठीक है, 1.5 लीटर इंजन के हिसाब से सही है, हमारी गाड़ियाँ भी इतना ही चढ़ती हैं, सही है। मैं गाड़ी जो साइज है उस हिसाब से थोड़ा सा ये एक्सपेक्ट कर रहा था थोड़ी सी ज़्यादा चढ़ेगी, कि इस गाड़ी के हिसाब से टर्बो वाला इंजन है तो थोड़ा सा ज़्यादा खींच के लेके जाएगा, टर्बो का किक नो डाउट आ रहा है, उतना ज़्यादा मतलब खींच के नहीं लेके जा रहा है, स्पीड रेंज की अगर बात करूँ तो। ये जस्ट मैं ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ, देखो शिकायत मतलब कंप्लेन मान लो कुछ भी आप अपने हिसाब से, नेगेटिव जो मर्जी, मैं नेगेटिव नहीं बता रहा हूँ, जस्ट एन ऑब्जर्वेशन। गाड़ी टेक फ्रेंडली है, बहुत सारे टेक है अंदर, जैसे गाड़ी में बैठते हो तो टेम्परेचर वगैरह बताती है, हालचाल पूछती है। ये किस चीज की आवाज थी, फिर देखते हैं। जैसे हाई रेव करके क्लच दबाया ना तो राइट साइड से कुछ आवाज है, मतलब जब क्लच दबाया सिर्फ वो एक सेकंड के लिए आई थी, उसके बाद नहीं आई, अब वो मैं नहीं बता सकता किस चीज की है, वो हर गियर में तो नहीं है। स्लोटिंग की भी अपनी अलग प्यारी सी आवाज है, ये देखो देखो हेक्टर प्लस आ चुकी है, हेक्टर तो ऑलरेडी है, और जिस जिस के पास हेक्टर है तो बताना कि जो मैंने चीज़ें बताई हैं कि आपकी गाड़ी में भी हैं, पॉजिटिव नेगेटिव एज ए पार्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन बताना, कैसा क्या कुछ सही मैंने गलत बताया, मुझे कुछ ज़रूर नया सीखने मिलेगा, और कोई ज़रूरी चीज़ अगर मैंने मिस आउट कर दिया, कुछ मैंने गलत बताया, तो आई विल मेंशन दैट इन द पिंड कमेंट, टॉप कमेंट, और
बस यही कुछ था इस वीडियो में। चलो अब लास्ट, सारे टेस्ट हो चुके हैं गाड़ी के, कुछ नहीं बचा। मेन जो मैं स्टेयरिंग देखता हूँ या फिर ब्रेक्स देखता हूँ, बस यही वाला हम यू टर्न लेंगे और इस पे आखिरी स्टेयरिंग वाला ही देख लेता हूँ कि वापस आता है कि नहीं आता है। पहले से ठीक था, ये देखो ये आवाज आई ना फिर से। रुको, अब देखना इधर आती है राइट साइड में। अब पता नहीं इंजन बे है कि डैशबोर्ड के पीछे है, बट नॉइज है। आई रियली एंजॉय ड्राइविंग दिस कार। आप मुझे बताना हाउ इज द रिव्यू, क्या कुछ अच्छा था क्या कुछ बुरा था। एंड सब्सक्राइब फॉर मोर, फॉलो मी फॉर मोर ऑन इंस्टाग्राम एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।